नमस्कार जोहार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। वहीं पहली बड़ी खबर क्या यह है, झारखंड के कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग, दुकानों व घरों के सामान क्षतिग्रस्त, 3 घंटे बाद पाया गया काबू। जी हां दोस्तों, रांची जिले के नामकुम थाने से 50 मीटर दूरी स्थित मिराज आलम कबाड़ी दुकान से टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे दुकान में फैल गई। जानकारी के अनुसार धुआं उठता स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची नामकुम पुलिस ने फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया। एक के बाद एक 6 दमकल टीम ने 3 घंटे में आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर मानव तस्करी का सरगना अर्जुन तोड़ी उर्फ नेहरू गिरफ्तार। सिमडेगा की आदिवासी लड़की को फरीदाबाद से किया गया रेस्क्यू। मजले के झारखंड की सिमडेगा पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता मिली। उसने सिमडेगा के डेड टी टांगर की 14 साल की आदिवासी बच्ची की बड़ी बहन को फरीदाबाद से सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली से मानव तस्करी के एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। डेड टी टांगर की आदिवासी नाबालिग बच्ची को गुरुग्राम में एक दंपत्ति 5 महीने से बिना वेतन दिए काम ले रहा था और उस पर लगातार अत्याचार कर रहा था। अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर उसे हरियाणा राज्य बाल कल्याण आयोग के निर्देश पर गुरुग्राम की पुलिस ने रेस्क्यू किया था। तो दूसरी ओर झारखंड में रायपुर कांग्रेस अधिवेशन की सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण उप समिति के सदस्य बनाए गए बंधु तिर्की। झारखंड के पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को अगले 24 फरवरी से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 85वें अधिवेशन की प्रस्ताव उप समिति के सदस्य और मनोनीत किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गड़े द्वारा गठित इस ड्रॉपिंग समिति के संदर्भ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के सी वेणुगोपाल द्वारा जारी प्रेस वार्ता के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष जयराम रमेश को बनाया गया है, जबकि पवन गेड़ा इसके संयोजक होंगे। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का सीएम हेमंत सोरेन ने किया स्वागत। रमेश बैस के बारे में कही बड़ी बातें। बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट करके नए राज्यपाल का स्वागत किया। श्री सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को राज्य की जनता की ओर से अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। झारखंड के वीर भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। तो वहीं एक बड़ी खबर क्या रही है, आरटीई के तहत रांची के 101 निजी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू। बचले के शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत रांची जिले के 101 निजी स्कूलों को प्रारंभिक कक्षा में 25% सीटों पर नामांकन किया जाएगा। इसके लिए आपको www.dser.ranchi.com पर 10 फरवरी से 6 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो वहीं दूसरी बार आदिवासियों के विभिन्न मांगों को लेकर 5 राज्यों में 20 जगहों पर रेल ट्रैक और सड़क जाम, रेल सेवा हुई अस्त व्यस्त। बचले के जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, कोलकाता, मरांगमुरु को मुक्त कर आदिवासियों को वापस करने और 23 में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी संगेल अभियान ने शनिवार को 5 राज्यों में रेल रोड चक्का जाम किया। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार व असम में लगभग 20 जगहों पर रेल चक्का जाम किया गया। सेंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालकन मुर्मू ने कहा कि यदि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो 11 अप्रैल से अनिश्चितकालीन रेड रोड चक्का जाम किया जाएगा। 30 जून को संथाल विद्रोह दिवस के मौके पर देश की आदिवासी न्याय और अधिकार के लिए विद्रोह का आगाज करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो और उसके सहयोगियों ने रेल रोड चक्का जाम को जगह जगह कमजोर करने का प्रयास किया है। तो वहीं दूसरी ओर गोल्ड मेडल जीतकर लौटी झारखंड महिला टीम का रांची में भव्य स्वागत। बताचले के खेल इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर वापस लौटने पर झारखंड की महिला हॉकी टीम का रांची रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। ग्वालियर में आयोजित हॉकी मैच में झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने फाइनल में मध्य प्रदेश को पेनल्टी आउट में 4-3 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था। भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा देश में खेल बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाता है। तो वहीं बात करें झारखंड के मौसम विभाग को लेकर के, तो रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज का तापमान धड़ाम। झारखंड में अभी और भी गिरेगा पारा। झारखंड की राजधानी रांची समेत कम से कम 3 जिलों के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को कई 3 जिलों का तापमान आज 3.3 डिग्री सेल्सियस और 4.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आगामी सोमवार को आने वाले आज तापमान और गिरावट दर्ज की जाएगी। इसकी हालांकि दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। तो वहीं दूसरी ओर चकधरपुर में बिजली विभाग की रेड 25 के खिलाफ केस दर्ज, 1.45 लाख का लगाया गया जुर्माना। जिले के चकधर प्रखंड के टोकुल्लो थाना क्षेत्र में बिजली चोरी का उपयोग करने वालों के खिलाफ बिजली विभाग द्वारा रविवार को छापामारी टीम का गठन कर जिनासाई, ढुकीसाई एवं गांव में छापामारी की गई। 25 लोगों के खिलाफ टोकुल्लो थाना में मामला दर्ज कराया गया। इसके साथ ही उन पर 1,45,037 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तो वहीं दूसरी वो रांची में यातायात दुरुस्त करने को लेकर के 136 पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। पता चले कि झारखंड के राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए अलग अलग जगहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को विभिन्न थानों क्षेत्रों में स्थित पोस्ट एवं प्रतिनियुक्त किया गया है। रांची के सीनियर SP कार्यालय ने यह जानकारी दी है। रविवार को इसका आदेश जारी कर दिया गया था। आदेश में कहा गया है कि रांची यातायात में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को सुगम यातायात व्यवस्था एवं यातायात नियमों के उल्लंघन की स्थिति में विधि सम्मत कार्यवाही करने के लिए अगले आदेश तक अलग अलग पोस्ट पर प्रतिनियुक्त किया जाता है। तो वहीं एक बड़ी खबर, ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 36 मजदूर, राज्य व केंद्र सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार। बजले के झारखंड के 36 मजदूर ताजिकिस्तान में फंस गए हैं। इन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपील की है कि उनकी वतन वापसी सुनिश्चित करें। ताजिकिस्तान में फंसे यह सभी मजदूर बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, न्यूज नीति पर फोन कर CM मांग रहे हैं सलाह, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहती। 1932 खतियान के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं या 2016 की न्यूज नीति पर नियुक्ति करें। बजले के झारखंड हाईकोर्ट की ओर से न्यूज नीति पूरा हुए 2 महीने से अधिक हो चुके हैं। सरकार के राज्य के बेरोजगारों से 2 महीने के भीतर नई न्यूज नीति लाने की बात कही गई थी, पर वो अभी नहीं बनी। अब CM उम्मीदवारों को फोन कर सलाह ले रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या किया जाए। जी हाँ, जो चौकी मत, CM हेमंत सोरेन की आवाज़ में ऐसे कई उम्मीदवारों को कॉल आ चुके हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या किया जाए। वे उम्मीदवारों को विकल्प भी दे रहे हैं। इस तरह के कॉल आने के बाद से राज्य के बेरोजगारों के बीच उम्मीद जगी है। राज्य के युवाओं के भी CM का कॉल आना चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दूसरी ओर रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चल रहे प्रशासनिक तैयारियां, चुनावी मैदान में 18 प्रत्याशी, 14 निर्दलीय। मतदान पदाधिकारियों की कल होगी ट्रेनिंग। नौ फ्लाइंग स्क्वाड टीम जिले में चला रही जांच अभियान। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जिले में चल रही हैं। नामांकन करने से लेकर नाम वापसी तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब चुनावी मैदान में कुल 18 उम्मीदवार हैं। इन 18 उम्मीदवारों में 2 राष्ट्रीय राज्य पार्टी, 2 राजनीतिक दल और अन्य 14 निर्दलीय पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन कुल 20 उम्मीदवारों ने किया था, जिसमें संजय कुमार व नितेश कुमार सिन्हा की उम्मीदवारी को रद्द किया गया। सभी चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। अब प्रशासन तैयारी की जा रही है। इसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह महायुक्त माधुरी मिश्रा, पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे और निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने अहम बैठक की। दोस्तों फिलहाल खबर में बस इतना ही। एहती कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि झारखंड के मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही थी। उम्मीद है खबर पसंद, खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।